हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका रजक। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। और अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो मौसम चल नहीं रहा है, मतलब बारिश हो रही है। तो आप सब अपने अपने घर में पकौड़े तल के खाइए, गरम गरम चाय पीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में पकौड़े तल कर गरम गरम चाय पी जाती है। तो मैंने कुछ शॉपिंग की हुई है, तो मैं उसका रिव्यू दिखाने वाली हूँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा, मैंने मीशो से ज़्यादा कुछ तो नहीं मंगाया हुआ है, पर मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला, मैंने मेकअप ब्रशेस मंगाए हैं। लोगों के पास ये मेकअप ब्रशेस होंगे, पर मीशो वाले ने मुझे इसमें से एक टूटा हुआ ब्रश दिया हुआ था। तो और ब्लेंडिंग ब्रश ही देख, आप देख रहे होंगे कि मैंने यूज़ भी किया है इसको, पर अब यहाँ से ये थोड़ा सा टूटा हुआ भी है, जिसको मैंने थोड़े से जुगाड़ लगा करके सही कर दिए हैं। बाकी सारे ब्रशेस भी आप देख सकते हैं अच्छे से बिल्कुल नहीं है, ये थोड़े तो मुझे कुछ ज़्यादा खास ये ब्रशेस लगे नहीं हैं। बहुत लोगों को, अगर आप लोगों ने भी ये ब्रशेस मंगाए होंगे तो आप लोगों के सही हो सकते हैं, पर मेरे कुछ ब्रशेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो मीशो वालों को देखना चाहिए। ठीक है, मतलब ये मेरा मेकअप ब्रश। दूसरी चीज़ मैंने मंगाई हुई है, इसमें इयररिंग है जो कॉम्बो सेट है, इसमें तीन इयरिंग है। वैसे मैंने अनबॉक्सिंग कर रखा हुआ है, पर मैंने आप सबके लिए फिर से अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। तो इसमें ऐसे पैकेजिंग में आते हैं जिससे ये टूटे ना, बाद में इसको खोलना भी है। मुझे नहीं पता आप सब भी ऐसा करते हैं या नहीं करते, पर मैं ज़रूर ऐसा करती हूँ, मैं मेरे भाइयों के साथ मिल करके और साथ ही मेरी मम्मी भी। तो ये हैं, इयररिंग जो मुझे काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो एक करके मैं दिखाती हूँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब आप किसी ब्लैक वाइट या किसी भी ये कुर्ती के साथ भी मैं कैरी कर सकती थी, पर मैंने किया नहीं, कोई बात नहीं। पर आप ब्लैक या वाइट कुर्ती के साथ ये कैरी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कुर्ती के साथ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने ये मंगाया है, ऐसे में बड़े झुमके पहनती नहीं हूँ, पर मंगा लिए हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, ऐसे मतलब ज़्यादा भारी नहीं है, आप आराम से कैरी कर सकते हो। अगर जिन्हें इयररिंग पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरी तरह, तो आप आराम से इसे कैरी कर सकते हो, बिल्कुल भारी नहीं है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपको इसके प्राइस स्क्रीन पर मेंशन हो जाएंगे। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा चीतरा आता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको मंगाऊंगी, पर कभी प्राइस ज़्यादा होते थे तो कम तो होते ही नहीं थे, ज़्यादा ही होते जा रहे थे। मैं सोची मंगाऊंगी, पर बहुत ज़्यादा ही होते जा रहे थे। तो मैंने मंगाया है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत बड़े अच्छे लगे। पीछे से आप इयररिंग ऐसे घुमा करके पहन सकते हैं। तो मुझे इसके ये टीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब ऐसे मुझे टीका पहनना अच्छा तो नहीं लगता, पर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ।
ऐसे मेरी इस कुर्ती पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इयररिंग पहन के मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि थोड़े मेरे कान में प्रॉब्लम है, मतलब इयररिंग पहन एक कान में मुझे इयररिंग डालने में थोड़ा दर्द सा होता है, तो इसलिए मैं वो पहन के आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती। तो ये इयररिंग अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो आप मीशो से परचेज कर सकते हैं। और ये तीनों कॉम्बो सेट आया है मुझे, ये तीनों इयररिंग के कॉम्बो सेट आया है, वो स्क्रीन पर मैंशन हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैंने मंगाई हुई है ये साड़ी, आप लोगों ने भी देखी होगी तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। वैसे मैंने जब ये आया हुआ था, ये मतलब आया हुआ था तो मैंने इसको खोल करके मैं देख चुकी थी, पर चलिए आपको दिखाते हैं। ये है ब्लाउज पीस, ये आपको देते हैं स्लीव्स में लगाने के लिए। मुझे नहीं पता इसको बोलते क्या है, पर बिंदी बोल सकते हैं ज़्यादा मुझे पता है। ये साड़ी का मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, ये थोड़ा आता है बैंगन, भट्टा बैंगन कलर, मतलब पर्पल कलर में, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब कलर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने इसको देखा था। अगर किसी पार्टी छोटे मोटे पार्टी में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप ये साड़ी कैरी कर सकते हो, बहुत अच्छी साड़ी है ये। और आप ब्लाउज अपने अकॉर्डिंग सिला सकते हो जैसा सिलाना हो आपको। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इसके एक्चुअल में ये टर्सो लगे हुए हैं, दो ही हैं, एक इधर एक इधर। पूरी साड़ी सिंपल है, पूरी साड़ी बस पूरे साड़ी में ये बिंदी वाले बॉर्डर पे लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और इसमें बहुत सारे कलर भी हैं। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप बहुत और भी कलर आप इस कलर में भी मंगवा सकते हैं, पर ये साड़ी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। अगर रक्त में भी इसको पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और पार्टी वगैरह में तो और भी अच्छी। ये साड़ी तो अगर आप भी लेना चाहते हैं साड़ी तो डेफिनेटली आप मीशो से ले सकते हैं। लास्ट है ये साड़ी है ग्रे कलर की, मुझे इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने उसको ये कल ही आया हुआ है पर मैंने इसको खोला नहीं था, मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करके मैं इसको खोलूँगी, तो मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये ग्रे कलर का है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी ब्लाउज पिंक कलर में है, आप देख सकते हैं ब्लाउज, चलिए को भी देते हैं। ये है ब्लाउज पीस, मतलब साड़ी में अटैच है, उसको कटिंग करवाने पड़ेंगे। ये है ब्लाउज पीस, बहुत ज़्यादा मतलब पिंक कलर के ब्लाउज और ग्रे कलर का साड़ी, वाह कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुझे मैंने इसको सिर्फ इसलिए ऑर्डर किया है कि मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब यूनिक सा ग्रे कलर है। बहुत कोई होते हैं ब्लू रेड ग्रीन पहन के, येल्लो, ये सब पहन के बोर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और इसका ये पिंक। अब इसके साथ तो मैंने जो ज्वेलरी मंगाई है वो ज्वेलरी भी आप इसके साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इसके पिंक कलर तो भाई हर लड़कियों का फेवरेट होता है, तो आप भी ये साड़ी मंगा सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे हो तो। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, पर ये साड़ी मैंने खुद के लिए नहीं मंगाई, ये साड़ी मैंने अपनी दीदी के लिए मंगाई है, आई होप उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। पर आपको ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, ये ऐसे तो लिखा रहता है यहाँ पर बनारसी सिल्क, पर आपको ही पता है और मुझे भी पता है कि 500 के अंदर कुछ बनारसी प्योर बनारसी सिल्क मतलब ओरिजिनल नहीं मिल सकते हैं, पर इसमें कोई इसमें मशीन वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मुझे इसकी ये जो वर्क है ना वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं। और ब्लाउज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और साड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप
ये साड़ी लेना चाहते हैं तो मीशो से जा करके ज़रूर ले सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ तो मैंने मंगाया हुआ नहीं था, यही चार चीज़ मैंने मंगाई थी, सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और आई होप आपको मेरी सारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। और मैं आपको थोड़ी मीशो के बारे में बता देती हूँ। मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जिससे आप खुद तो शॉपिंग कर सकते हैं पर आप उससे आप जॉब भी कर सकते हैं, आप घर बैठे जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आप खुद तो खुद भी ले सकते हैं और किसी को सेल भी कर सकते हैं। मीशो हॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा कुछ तो मैंने ऑर्डर बिल्कुल नहीं किया था। तो आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे मैंने कहा तो था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो हल्दी लुक पर आने वाली है, पर ये पार्सल बहुत जल्दी आ गए, बहुत जल्दी, मतलब मीशो वाले की कभी कभी ये बहुत अच्छा होता है कि बहुत जल्दी ऑर्डर दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे मुझे बहुत जल्दी रिसीव हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो हल्दी लुक से पहले मैं ये शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और नेक्स्ट वीडियो मेरी अभी मैं नहीं करूँ क्योंकि पता नहीं फिर बारिश का मौसम है, आप ही जानते हैं कि बारिश के मौसम में थोड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है वीडियो शूट वगैरह करने में, तो मेरे घर में थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो मेरी वीडियो फुल देखी है और मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।